हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे पास आज आया है रेडमी का M11i। तो इसमें ये कस्टमर का कहना है कि ये डेड हो गया है, मतलब ये अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो उस वजह से शायद हो सकता है पानी वगैरह लगा हो, तो उस वजह से ये शायद डेड हो गया है। हम ऑन कर रहे हैं इसको, ऑन नहीं हो रहा है। ये चार्ज पे भी हमने इसको लगा करके देखा है तो चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसको चार्ज पे लगा करके और मैं आपको बता देता हूँ, चार्जिंग भी हमारा ये ले नहीं रहा है। तो मैंने कहा ये शायद हमको डेड फोन को किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो नए फोन आ रहे हैं इसके पीछे जो ये ग्लास लगा हुआ है, ये बैक ग्लास है, तो ग्लास को क्या है कि किस तरीके से खुलना होता है जिससे हमारा मतलब ये ग्लास डैमेज ना हो, तो वो मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। करना क्या होता है, आपको हॉट गन को ऑन करना है और एयर को रखना है आपको 5 पर और हीटिंग को रखना है आपको 400 के ऊपर, और उसको आपको ऐसे करके इसको घुमाना है चारों तरफ से। इसको आपको इस तरीके से हीटिंग करना है, इससे क्या है हीट हो जाए। हीट होने के बाद क्या है, ये आसानी से आपका ग्लास जो है वो ब्रेक नहीं होगा और जो ग्लू है वो उसका मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या है कि हम इसको आसानी से निकाल पाएंगे। आपको इसी तरीके से हॉट गन को चलाना है, तुमको इसको इसी तरीके से आपको चलाना है। को इतना हीट कर लिया है तो एक बार हम इसको तो किसी भी आप तिक्की चीज से इसको आपको ऊपर की ओर करना है इसको, जिससे ये उसके बाद ऐसा कोई भी आपके पास पत्ता होगा, थोड़ा हार्ड पत्ता लेना है आपको। एक बार हम इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे जिससे हमारा ये पत्ता जाने की जो जगह है वो इसको प्रॉपर मिल जाए। हमने इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लिया है, इसको थोड़ा सा और देखिए गाइस, आपको इस तरीके से इसको चलाना है। ये देखिए इसमें ग्लू जो है ये बाहर आ रहा है, आपको इसी तरीके से इसको चलाना है तो आपका क्या है कि ग्लास भी ब्रेक नहीं होगा और ये ग्लू अपनी जगह छोड़ देगा। गाइस हमारा ये ग्लास निकल चुका है हमारा ये ग्लास। उसके बाद हमारे अंदर ये स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को हमको आप वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको क्या है कि समझ में आएगा। जो नए बिगनर्स हैं जो रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या जो घर बैठकर भी फोन रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि कई बार क्या होता है फोन में होता कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि फोन किस तरीके से खुल रहा है, कहाँ कहाँ स्क्रू हैं हमारे। उसके बाद अब क्या है कि इसमें क्या है कि ये बैक ढक्कन आपने देखा है, और कई फोनों में क्या होता है कि आपको बैक ढक्कन बैक ग्लास निकालना नहीं होता है, डायरेक्ट आपका यहीं से ही ये बाहर आ जाता है, जिससे मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से ये इसका मिडल समेत ये बाहर आता है जिससे ये स्क्रू खुलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो पीछे बैक ग्लास लगा होता है तो उसके मतलब वो फिक्स होता है, आपका डायरेक्ट जो खुलेगा वो पीछे से ही खुलता है, और खुलने के बाद फिर आपके स्क्रू वो निकलते हैं जो ऊपर जो हल्के रिंगर डिब्बी हो गई इसके ऊपर स्क्रू लगे हुए मिलेंगे आपको फिक्स, जो अंदर फिक्स रहती है वो बाकी के आपको ये ऊपर की जो सील्ड होती है इसके ऊपर आपको स्क्रू मिलते हैं। तो गाइस
कि हमारे स्कूल आप ध्यान रहे, आपको स्कूल सारे निकालने हैं आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इसको भूल जाते हैं और हम डायरेक्ट खोलना स्टार्ट कर देते तो हमको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जबरदस्ती वो उसको खींचना है करना होता है तो हमको ध्यान नहीं रहता है कि वो कहीं स्कूल लगा हुआ है। जैसे ये देखिए आपको इस साइड में स्कूल लगे हुए हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे इसमें स्क्रू है नहीं या निकल चुका है, लेकिन स्क्रू सारे होते हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं होता है। उसके बाद आपको अगर आपके पास नाखून, पहले मेरे पास ये टूल्स नहीं था तो मैं नाखून से ही खोलता था, आपको करना क्या है इस टूल्स को इसी तरीके से चलाना है आपको ये टूल्स, ये देखिए इस तरीके से आपको ये टूल चलाना है। नया फोन ने तो काफी क्या है कि हार्ड होता है, क्या है कि इसकी पैकिंग है वो नहीं है, काफी हार्ड होता है क्योंकि इसमें ग्लू भी चिपका हुआ होता है। आपको ध्यान रहे जैसे आप ये निकाल रहे हैं इसमें ये फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो ये फिंगरप्रिंट आपका कटे नहीं, इसलिए क्या है इसको आपको बहुत प्यार से और आसानी से आपको इसको निकालना है। जिससे ये देखो हमने ये इसका एक कैमरा है जहाँ पर ये पहले निकला है, उसके बाद ये फिंगरप्रिंट है, इस साइड में जो आजकल फिंगरप्रिंट आ रहे हैं ये फिंगरप्रिंट की स्टेप है, इस स्टेप को आपको निकाल लेना है। पहले इसको निकालने के बाद हाँ, तो एक बार हम इसको चार्ज पे लगा करके चेक करते हैं कि हमारे इसमें वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। गाइस फोन आया था तो शायद वो बंद हो गया था, इसलिए आपको वापस इसमें बता रहा हूँ मैं। इसमें मैं ये हमने चार्जर लगा दिया है, हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए हमारे इसमें चार्जिंग के जो 4 पॉइंट वोल्टेज आने चाहिए वो इसमें बता रहा है, मतलब वोल्टेज भी हमारे आ रहे हैं। तो एक बार हम इसको हमको करना क्या है कि हमको बैटरी के आसपास में हल्का हल्का, क्योंकि ये बारिश के मौसम में मॉइस्चराइज लगने से भी क्या है कि कई बार फोन डेड हो जाते हैं, तो हमको हॉट गन को हिट करके थोड़ा थोड़ा इसको हिट करना है, क्योंकि कहीं अगर हमारा मॉइस्चराइज वगैरह होगा तो वो एक बार क्लीन हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको चेक करना है। आपको कैमरे का ध्यान रखना है, कैमरे के आसपास आपके हिट ना जाए, कैमरे के आसपास आपके हिट ना जाए आपको ध्यान रखना है। हिट होने के बाद आपको बैटरी वापस दोबारा लगा करके चेक करना है। गाइज हमारा फोन ऑन हो चुका है, तो एक बार हम देखते हैं कि हमारा ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि फोन के अंदर मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम हो, मॉइस्चराइज लगने से भी आसपास को कंपोनेंट में क्या है कि आपकी जो मदरबोर्ड की रीडिंग है वो परफेक्ट शो करता है, लेकिन क्या है कि मॉइस्चराइज जमने के कारण क्या है कि फोन डेड हो जाता है, क्योंकि उसको सीपीयू तक जाने की जो सप्लाई होती है वो उसको मिलती नहीं है, तो वो रोकता है उसको।
तो वो आपको शो नहीं करता है। उसके लिए आपको क्या है कि आपको मदरबोर्ड पे हीटिंग करना होता है, जिससे आपका कहीं आसपास जो मॉइस्चराइज होता है वो सूख जाए। ये देखिए हमारा फोन ऑन हो चुका है गाइस, हम इसका टच भी चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस हमारा फोन अच्छे से ऑन हो चुका है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।